दांतों पे बस ये लगा लो, दांतों का पीलापन इतनी तेजी से खत्म होगा कि पूरी दुनिया देखकर हैरान रह जाएगी। सिर्फ 7 दिन के इस्तेमाल में आपको इसका रिजल्ट आपके दांतों पे दिख जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल नुस्खा टीवी पे। दोस्तों आज के इस वीडियो को सिर्फ आप एक बार अंत तक देखें, मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके दांतों का दर्द, आपके दांतों का पीलापन और अगर दांत आपके धीरे धीरे सड़ने लगे तो उसे ये नुस्खा बहुत ही तेजी से खत्म कर देगा। दोस्तों उम्र के साथ साथ हमारे दांत बहुत ही तेजी से पीले होने लगते हैं। अगर आप अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं, अगर आप अपने दांतों को ख्याल नहीं रखते हैं, अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते हैं, तो आपके दांतों का पीलापन, दांतों का कालापन और दांत दर्द बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार अंत तक देखते हैं तो मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में दे दूंगा और आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप अपने दांतों का पीलापन को बहुत ही तेजी से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों पुराने जो लोग थे, प्राचीन लोग, ये नुस्खा का वो इस्तेमाल करते थे, उनके दांतों का पीलापन बहुत ही तेजी से खत्म होता था। अगर उनका दांत दर्द होता था तब भी ये नुस्खा का वो इस्तेमाल करते थे और उन्हें इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता था। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांतों का पीलापन खत्म हो जाए तो वीडियो के साथ साथ अंत तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल नुस्खा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बाजू के बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पा पाएं। यहां जो हम चीजों का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों वो आप रोजाना अपने किचन में इस्तेमाल करते होंगे और ये आपके दांतों का पीलापन बहुत ही तेजी से कम करेगा। यहां जो हम सबसे पहली चीज का इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों कोलगेट। दोस्तों यहां पर हम कोलगेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों आप तो अपने दांतों को साफ करने के लिए रोजाना कोलगेट या फिर कोई अलग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते होंगे जिससे आप अपने दांतों को साफ करते होंगे, तो आपको यहाँ पर वही लेना है। यहाँ मैं रिकमेंडेड नहीं करता कि आपको यहाँ कोलगेट ही लेना है, जो आप अपने दांतों पे रोजाना इस्तेमाल करते हैं वही पेस्ट आपको यहाँ इस्तेमाल में लेना है। लेकिन दोस्तों कोलगेट में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे दांतों का पीलापन खत्म करने में बहुत ही ज्यादा कारगर होता है, तो आपको यहाँ पर ले लेना है दोस्तों टूथपेस्ट। यहाँ जो हम दूसरी चीज इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों अदरक। दोस्तों यहाँ पर मैंने अदरक को अच्छी तरीके से पीस लिया, आप देख सकते हो मैंने इसे मिक्सी में 2 मिनट तक अच्छी तरीके से पीस लिया है। आपको यहाँ पर कितनी मात्रा में ये लेना है ये बताते हैं। आपको यहाँ पर आधा चम्मच के लगभग अदरक ले लेना है। आपको आधा चम्मच के लगभग अदरक लेने के बाद यहाँ पर जो आप अंतिम चीज इस्तेमाल करेंगे वो है दोस्तों हल्दी। दोस्तों हल्दी में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे दांतों का पीलापन खत्म करता है, साथ साथ बैक्टीरिया को खत्म करने में बहुत ही ज्यादा कारगर होता है, तो आपको यहाँ पर इसकी कितनी मात्रा लेनी है ये बताते हैं। आपको यहाँ पर कुछ इतनी मात्रा में हल्दी का इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों आपको इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिलाना है। आपको इसे एक फाइन सा इसका पेस्ट बना लेना है जिसका आप अपने दांतों पे अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाए। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा दोस्तों आपके दांतों के लिए और आपका दांतों का पीलापन खत्म करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा कारगर होगा। तो आपको इन सभी चीजों को कुछ इस तरीके से मिलाना है और अब आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना होगा ये बताते हैं। दोस्तों आप तो रोजाना ब्रश का इस्तेमाल करते ही होंगे, तो आपको यहाँ पर एक ब्रश अपना ले लेना है। आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका पेस्ट ले लेना है। आपको यहाँ पर कुछ इतनी मात्रा में ये पेस्ट लेना है। उसके बाद दोस्तों ये जो पेस्ट होगा, आप जो अपने दांतों पे रोजाना टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों अगर आप इस नुस्खे का इस्तेमाल सिर्फ 7 दिन अपने दांतों पे करेंगे तो आप देखेंगे आपके दांतों का पीलापन खत्म होगा, बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा और जहां पर दोस्तों आपके कीड़े लग गए हैं दांत पे वो भी ये खत्म करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल नुस्खा टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता हूं इसी प्रकार के कोई नए नुस्खे टिप्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।